खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक में कोयला डंप में सीओ को लेकर शनिवार को दो पक्षों में हुई गोलीबाजी, बमबाजी के साथ खूनी जंग में रविवार को पुटकी थाना में तीन पक्षीय केस दर्ज किया गया। घटनास्थल पर धनबाद के एसएसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, सीओ ने आज घटना के दूसरे दिन संयुक्त जायजा लिया। सिंह नेचुरल के प्रबंधक प्रमोद सिंह के द्वारा 11 व अन्य डीओ मुकेश पासवान के द्वारा 7 व अन्य व पुटकी पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को मिलाकर 35 नाम व अन्य लोगों पर मामला दर्ज करवाया गया है। प्रमोद सिंह ने अपने आवेदन में कहा कि एक अनुपात 10 के आसपास में गोली बम चलाकर दहशत फैलाने व रंगदारी मांगे जाने व कर्मी को गोली मारकर घायल किए जाने की बात कही। वहीं डीओ प्राप्त मुकेश कुमार पासवान ने अपने आवेदन में कहा कि ट्रक लोडिंग के एवज में प्रति टन 1000 रुपए मांगने के साथ जाति सूचक का प्रयोग करते हुए गाली गलौज मारपीट 1340 रुपए छीन लेने की बात कही। पुटकी पुलिस के द्वारा पुलिस से उलझने, धक्का मुक्की करने का मामला दर्ज किया। वहीं घटना स्थल पर एसएसपी ने कहा कि जय मा तारा कंपनी के कोयला उठाव को लेकर दो ग्रुप में गोली व बमबाजी हुई था, जिसमें एक बम भी मिला। कुल 3 एफआईआर हुए हैं, दोनों पक्षों व एक अपने स्तर से किया है। धनबाद के किसी भी आउटसोर्सिंग क्षेत्र में ऐसी घटना होने नहीं देंगे, जो भी किया है उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ क्रिमिनल का नाम गोलू रवानी व नवीन पंडित है, इन पर पहले से बहुत सारे केस हैं। ऐसे लोग अपना वर्चस्व व रंगदारी मांगने के लिए ऐसे काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए सीसीए के तहत नियम संगत कार्रवाई करेंगे। धनबाद में ये सब अब नहीं चलेगा। घटना हुई है, फायरिंग हुई है, बमबाजी हुई है, पूरा खोलडम ढल गया, इस पे क्या करना चाहेंगे? किस तरह के लोग यहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं? कल जैसे पुटकी थाना अंतर्गत एक सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा कोयला निकाल के जो बीसीसीएल को जो डंप करके दिया है, वहां पे जय मातारा करके जो कंपनी डीओ लिया था, डीओ में कोयला उठाने को लेके दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ था, झंझट हुआ था, उसमें कुछ गोलीबारी चलने का भी सूचना है। एक आध बम भी हम लोग रिकवर किया है। अभी यहाँ पे भी उसको पीओ देखने के लिए आया हुआ है। यहाँ बीसीसीएल का कर्मी लोगों से और सीएसएफ का लोगों से बातचीत हो गया है। इसमें हम लोग अभी एक एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है। कितने एफआईआर हुआ? 3 एफआईआर हम लोग किया है, दोनों पक्ष का किया है, और एक एफआईआर हम लोग अपने सर से भी किया है। अब ऐसे घटना किसी भी आउटसोर्सिंग एरिया में धनबाद में एकदम होने नहीं देंगे। अभी जो भी किया है इन लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ क्रिमिनल लोगों का नाम हमको ऑलरेडी मिल गया, जैसे कि गोलू रवानी है और एक नवीन पंडित है। वो पहले ही हमको लगता है कि बहुत केसेस में वांडेड है और बहुत केसेस में इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, चार्जशीट हुआ है। ऐसे लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और अवैध वसूली के लिए सब काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए इन लोगों के ऊपर सीसीए के तहत और बाकी जो भी नियम संगत कार्रवाई करना है हम लोग करेंगे। लगातार ही सर आउटसोर्सिंग में चाहे वो एसएनआर हो, चाहे फिर वो एसटीजी हो, लगातार ही बमबाजी और फायरिंग की घटना हो रही है। अभी दो दिन पूर्व भी हुई थी। बेसिकली यहाँ पे पहले से कुछ कल्चर है वर्चस्व को लेकर। कुछ लोग हथियार कभी कभी चमकाता है, कभी कभी एक आध फायर भी करता है। इसको लेके भी हर आउटसोर्सिंग कंपनी में बीसीसीएल के साथ और आउटसोर्सिंग कंपनी लोगों के साथ हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लगातार माइंड के आसपास हम लोग गाड़ी का चेकिंग और बाकी चेकिंग भी करेंगे। अगर कोई आदमी अपना लाइसेंसी हथियार के साथ अगर फायर करता है, वैसे लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर कोई इलीगल हथियार के साथ अगर ये सब कर रहा है, उसका सोर्स को भी पता करने का काम हम लोग करेंगे, और जो भी इलीगल हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीआईएसएफ का भी क्या कोई दायित्व नहीं बनता है? जिस तरह से सीआईएसएफ के मौजूदगी में हम लोग उनकी जिम्मेदारी, उनकी क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी पुलिस, जैसे कि माइन के अंदर जो चीजें होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली सीएसएफ का है। वो लोग अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रहा है, और अगर माइन के बाहर होगा ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का है। लेकिन हम लोग
जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को सीएसएफ का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग मिलकर ही दोनों यहाँ जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी वर्चस्व के लेके जो लड़ाई हो रहा है, लड़ाई पर हम लोग काबू करने का कोशिश करेंगे। सर, 3 FIR हुए हैं, 3 FIR में कुल कितने नामजद हैं? FIR का डिटेल्स हम आपको बहुत नहीं दे पाएंगे, आपको थाना प्रभारी से पूछना पड़ेगा। मेरा काम है इस टाइप का जो भी काम जहां भी हो रहा है, जहां भी समस्या उत्पन्न हो रहा है, उसको पॉलिसी लेवल पर कुछ चेंजेस लाके उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करने का कोशिश करने का है। लेकिन सर, लगातार धनबाद से आप बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं, लेकिन लोकल स्तर पर जैसे सब पत्रकारों को जो सहयोग मिलना चाहिए, जो जानकारी मिलनी चाहिए, कई बार जानकारी नहीं मिलने का छोड़ दी, वो छोड़ दी, उसका कहानी बता दो, वो छोड़ दी ना भाई।